नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज में आपका स्वागत है। मोहम्मद मनमोहन सती। आज हमारे साथ परिचर्चा के लिए हल्द्वानी के मेयर जोगिंदर रौतेला जी हैं। रौतेला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आप यहाँ सेकंड टाइम के मेयर हैं और युवाओं में आपकी काफ़ी पकड़ मानी जाती है, कैसा फील होता है आपको युवा जब आपको अपने नेता मानते हैं? अच्छा लगता है। और लीडरशिप हो या कोई भी फील्ड हो, वर्तमान में युवाओं का ही समय है और युवा हमारी भविष्य पीढ़ी है, भविष्य की जनरेशन है जी। तो अच्छा है, लेकिन जो बुजुर्ग जन है जी, जी उन पे अपार अनुभव होता है, उनके अनुभव को लेके भी चलते हैं जी। हमने देखा भी है, जब पिछला चुनाव अब विधानसभा का भी लड़ रहे थे, उस दौरान सभी चाहे वो युवा हों, बुजुर्ग हों, महिला हों, आपके पीछे काफ़ी खड़ी थी। हालांकि वो चुनाव आपके पक्ष में नहीं रहा, और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बार फिर आप तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, तैयारी कर रहा हूँ मैं, और जैसा भी संगठन का आदेश होगा उसके आदेशों का पालन कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरे अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी है, ये निरंतरता से ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं उच्च से उच्च सदनों में जाऊँ और वहाँ पर जाकर जन सरोकार की बातों को रखूँ। आपके अपोनेंट जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अनुभवी नेता इंदिरा हृदयेश जी होती हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा कि इंदिरा हृदयेश जी सामने होती हैं तो कैसे मतलब चुनाव पार पाया जाएगा, कभी ऐसा लगा? देखिए, विचारधारा की लड़ाई है और सीनियर लीडर हैं वो जी, और सीनियर लीडर होने के साथ साथ प्रभाव भी रखती हैं, किंतु मेरा अपना कार्य क्षेत्र अलग है जी। और मैं अपने कार्य क्षेत्र में तल्लीनता से और तन्मयता से कार्य करता हूँ, उसी पर मुझे विश्वास है जी। इसीलिए सेकंड टाइम आपकी जीत भी हुई जी। अच्छा, ये भी आपके बारे में कहा जाता है कि जब से आप मेयर बने तो जो छोटी छोटी समस्याएं थी उनको सुलझाने में आप काफ़ी कामयाब रहे जी। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट हो या सीवरेज और STP का निर्माण हो, चाहे स्ट्रीट लाइट जो मुख्य कार्य नगर निगम के होते हैं, इनको मैंने अच्छे से करने की कोशिश की है। और थोड़ा सा मैं आपको साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम के प्रशासनिक ढांचे को भी मैंने ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है उसमें, और लगभग सभी स्पीयर्स ऑफ एक्टिविटी जितनी भी होती है नगर निगम की, उसको उच्चीकृत करने का कार्य करने की कोशिश की है। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट का इशू पूरे देश में है कि किस तरह से निस्तारण हो, कैसे, क्योंकि शहर बढ़ने लगे हैं, इनका लगातार भार बढ़ रहा है, पानी की एक बड़ी समस्या है, कई इलाकों में पानी की भी एक समस्या होती है, तो चाहे पानी की समस्या हो या फिर वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या हो, हल्द्वानी में आप कैसे निपटा रहे हैं इसको? देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ा काम है जी, और अति आवश्यकी कार्य है जी। वर्तमान की भारत सरकार और वर्तमान की आप हमारी प्रदेश की सरकार जी, ये दोनों विषय, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट हो आपका, चाहे वाटर ड्रिंकिंग वाटर रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन का कार्य हो, इस पे काम चल रहा है। इसका एक उदाहरण आपको जल जीवन मिशन भी मिलेगा, वो शहरी क्षेत्र में लागू कर दिया गया है, साथ ही पूर्व में अमृत योजना के तहत भी ये कार्य को किया जा रहा है। और वेस्ट डेवलपमेंट की जहाँ मैनेजमेंट की जहाँ हम बात करते हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट डोर टू डोर कलेक्शन से शुरू होता है, और उससे पहले भी प्राइमरी सेग्रीगेशन जिसे कहते हैं, यानी कि घर के अंदर ही कूड़े को पृथक करना, यानी कि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी सिटीजन्स के ऊपर है जी, कि कूड़े को पृथक करके दें और कूड़े को पृथक कर वो देंगे, डस्टबिन्स को यूज़ करें, डोर टू डोर कलेक्शन के वाहन आते हैं तो उनको आप अपना घर का वेस्ट दें, ये जिम्मेदारी सभी लोगों की है जी। और जब सभी लोग इसकी जिम्मेदारी समझेंगे, यानी कि जनता की सहभागिता 100% होगी, तो मैं समझता हूँ कि कूड़ा बहुत बड़ा विषय नहीं है। हाँ, उसकी प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि प्रोसेसिंग कई प्रकार से की जाती है, वेस्ट टू एनर्जी के रूप में की जाती है, कंपोस्ट प्लांट के रूप में की जाती है, और भी कई फॉर्मेट्स हैं इसके। वर्तमान में नगर निगम हल्द्वानी का जो वेस्ट प्रोसेसिंग का फॉर्मेट हमने तैयार किया है और जिसको स्वीकृति मिल गई है, उसका हमने RFP फ्लोट किया है, वो आपका कंपोस्ट प्लांट और RDF प्लांट है, यानी कि वेस्ट को बाई प्रोडक्ट उसके आपके वेस्ट के कंपोस्ट और RDF बनेंगे,
तो मैं समझता हूँ कि शहरों में इससे भी बड़ी एक विषम स्थिति है कि हर शहर में लीगेसी वेस्ट बहुत है, पुराना कूड़ा बहुत है और उसका निस्तारण करना बहुत आवश्यक है। अच्छा, कुछ बिजली बनाने की योजना भी है आपके नगर निगम की वेस्ट मैनेजमेंट? देखिए, वेस्ट टू एनर्जी के जहाँ प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें क्वांटम ऑफ कूड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए जी। तो ये छोटे शहर हैं उत्तराखंड के, इनमें वेस्ट का क्वांटम उतना ज़्यादा नहीं होता है जी। वेस्ट टू एनर्जी के में लगभग 300 से 400 क्वांटम वेस्ट का लगभग होना चाहिए, उतना हमारे पास नहीं रहता है क्योंकि उसको प्लांट को कंटिन्यूटी में रन करना पड़ता है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये सब चीज़ें आती रहेंगी। एक बात हम पीछे छोड़ आए हैं, जो पानी की जो बात हम कर रहे थे, पानी कई इलाकों में बड़ी किल्लत की बात यहाँ कही जाती है, वो किस तरह से उसका आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि पानी हर एक तक पहुँचे? देखिए, वाटर के 2-3 सोर्स हैं यहाँ। एक तो अंडरग्राउंड वाटर ट्यूबवेल्स इत्यादि के माध्यम से, दूसरा हमारा गोला रिवर, तीसरा एक आध सोर्स पुराने सोर्स हैं, शीतला हट कहते हैं, वहाँ से आता है पानी। और शहर बढ़ रहा है तो जो सिटी की नीड होती है वो बढ़ रही है। इन द मीन टाइम अभी अमृत के तहत हम लोगों ने टारगेट किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम पे टारगेट किया है, तो पेयजल का पुनर्गठन लगभग पुराना जो शहर है उसमें 60% हम पेयजल का पुनर्गठन कर चुके हैं। फिल्टर प्लांट की फिल्टरिंग कैपेसिटी बढ़ाने की हम लोग सोच रहे हैं, उसका ऑगमेंटेशन करने की सोच रहे हैं। साथ ही इसके अलावा जमरानी बांध जो कल इस पूरे भावर को और तराई को पेयजल और सिंचाई का जल उपलब्ध कराएगा, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और भारत सरकार, और उसमें मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का, कि उनके प्रयासों के सबके प्रयासों से आज लगभग जमरानी बांध की तरफ हम लोगों ने बहुत आगे बढ़े हैं। उसका टेक्निकल और फाइनेंशियल अप्रेजल मिल चुका है, विस्थापन की कार्रवाई चल रही है। मैं समझता हूँ कि वो एक मील का पत्थर साबित होगा, एक बहुत बड़ा बांध के रूप में रिजर्वायर हमें मिलेगा जो यहाँ की पूर्ति करेगा। थैंक यू रतला जी, धन्यवाद। थैंक यू, समय दिया। थैंक यू, नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।